hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so today's video is about the costing subject for tybcom semester 5 and we are going to discuss about what points you should study इन कॉस्टिंग सो बहुत सारे बच्चों को कॉस्टिंग की केटी थी तो जैसे मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो आपको बना के दिया था उसी तरीके से काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर कॉस्टिंग का भी वीडियो हमें चाहिए सेमेस्टर फाइव में हमें के है तो क्या करें हम अभी इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एम के ऊपर फोकस करना है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो पाए बिकॉज आपके पास काफ़ी सारे एम सी क्यूज़ हैं और कॉस्टिंग की मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है जैसे कि लेबर कॉस्टिंग है जैसे कि कॉस्ट शीट है रिकनसीलेशन है सो आई हैव एडेड मनी वीडियोज ऑफ दैट आप वो वीडियोज से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से आपको कॉस्टिंग के चैप्टर्स में ध्यान देना है कौन से कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है एक एक करके इसमें डिस्कशन हम एक एक करके करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट द चैप्टर्स विच आर रिलेटेड विद योर सेमेस्टर आर सेबर कॉस्टिंग लेबर कॉस्टिंग ओवरहेड्स ओवरहेड्सिट और रिकनसिलेशन तो इतने चैप्टर्स हमको ध्यान रखने हैं मटीरियल कॉस्टिंग लेबर कॉस्टिंग ओवरहेड्स कॉस्टिंग कॉस्ट शीट और रिकनसिलेशन एक एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि एक्जैक्टली exactly आपको हर एक चैप्टर में से कौन से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फोकस करना है सबसे पहले अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो वो तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक एक करके लेकिन आपको बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं फॉर्मेट पढ़ना है कॉस्ट शीट का और बेसिक्स पढ़ने हैं फ्रॉम ईच टॉपिक सो दैट आपका जो एम सी क्यूज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक सॉल्व सम प्रैक्टिस एम सी क्यूज जो मैंने आपको फाइनेंस में भी बताया था कि सारे के सारे एम सी क्यूज आप इजी तरीके से पढ़ पाओगे अगर आपका बेसिक्स और जो भी चैप्टर का बेस है वो आपका क्लियर हो नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे अभी चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं सबसे पहला टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग तो देखो मटेरियल कॉस्टिंग में आप बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं फीफो मेथड वेटेड एवरेज मेथड से तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है इस चैप्टर में आपको फीफो वेटेड एवरेज के बारे में पढ़ना है इन्वेंट्री कंट्रोल के जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जैसे ए बी सी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसमें से कवर अप करने हैं सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स एंड ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू कवर इन दिस चैप्टर तो इसमें से आपको फार्मूलाज भी पढ़ के रखना है फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली फार्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर कैलकुलेशन सो मटेरियल कॉस्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेगी देन आफ्टर कंप्लीटिंग टॉपिक सोल्व सम प्रैक्टिस एम सी क्यूज तो जैसे ही आपका ये मटेरियल कॉस्टिंग के बेसिक चीजें पढ़ के हो जाएगी आप कुछ उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें डायरेक्टली एमसीक्यूज ना करें बिकॉज बहुत सारे एमसीक्यूज से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा सो अगेन आई टेल यू दैट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स ऑफ द टॉपिक इफ यू आर क्लियर बेसिक्स यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दी बेसिक चैप्टर विच इज रिलेटेड विद मटेरियल कॉस्टिंग तो मटेरियल कॉस्टिंग में से आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी चीज़ों भी आप कवर करोगे तो बहुत सारे आपके एमसीक्यूज ईजी तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे चैप्टर नंबर सेकंड में जाते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें सम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं तो अगर हम चैप्टर नंबर टू की बात करें लेबर कॉस्टिंग तो लेबर कॉस्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता आपको क्या करना है सबसे पहले सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है देन यू हैव टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम जैसे अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो वी हैव हेल्थे प्लान वी हैव रोवेन प्लान वी हैव गैंटा बोनस प्लान वी हैव डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टाइम रेट सिस्टम बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो यू हैव टू स्टडी ऑल द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर और सारे के सारे जो लेबर कॉस्टिंग के रेमेशन के सिस्टम्स जो है एंड इंसेंटिव मेथड्स जो है उसके फॉर्मूलाज आप पढ़ के रखे बिकॉज वहां से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है एमसीक्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूछा गया तो आपको उस फॉर्मूलाज का जो बेसिक क्रक्स है वो पता होना चाहिए ताकि आप उस कैलकुलेशंस को भी इजी तरीके से कर पाए एंड सिमिलरली आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टॉपिक यू हैव टू सॉल्व सम प्रैक्टिस एम सी क्यूज ताकि आपको पता चले आपने जितनी चीजें पढ़ी है उसको आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं वाईल सॉल्विंग द एम सी क्यूज तो ये आपको लेबर कॉस्टिंग में इतनी सारी चीजें पढ़नी है ताकि आपके एमसीक्यूज बिल्कुल यहाँ से कोई गलत ना हो सके नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज ओवरहेड्स कॉस्टिंग वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक अगर हम बात करें ओवरहेड्स कॉस्टिंग के बारे में तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टेटमेंट बनता है वो आपको पढ़ना है कौन सा ओवरहेड्स कौन से रेशो में डिवाइड होता है वो थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना है बाकी इसमें और डिटेल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि इसमें से ही आपके पेपर में एम पूछे जाएंगे ताकि अगर हम देखें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ये बेसिक क्रक्स है इस चैप्टर का ओवरहेड्स कॉस्टिंग का तो वहाँ से आपको फॉर्मेट में जो आप प्रॉपरली कैलकुलेट करके पॉइंट्स को डिवाइड करके सारे डिस्ट्रीब्यूशन करके आप फॉर्मेट बनाते थे उसी फॉर्मेट को एक दो तीन बार आपको ओवरव्यू लेना है उसको थोड़ा रिवाइज करना है एंड अकॉर्डिंगली सारे के सारे पॉइंट्स एक बार देख लेना कि कौन सा पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड होता है सो so दैट आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा आफ्टर कंप्लीटिंग इस टॉपिक देन यू हैव टू सॉल्व सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज ये मैंने हर एक में डाला है ताकि आपको याद रहे कि एमसीक्यूज डायरेक्टली सॉल्व करने का जो तरीका है उसके पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप डायरेक्टली एम प्रैक्टिस करने मत जाना बिकॉज आपके पास बहुत सारे एम होंगे तो मैंने अभी एम अपलोड नहीं किए मैंने इसलिए अपलोड नहीं किए बिकॉज आपके पास बहुत सारे एम सी क्यूज़ हैं तो वो एम आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करें उस लेकिन पढ़ने का जो सही तरीका है वो मैंने आपको बताया सबसे पहले बेसिक्स को देखें चैप्टर के बेस को पढ़े और जैसे आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब

प्रॉपर थरो तरीके से पढ़ के रखना बिकॉज वहां से एमसीक्यूज बनेंगे और दूसरी चीज आपको पढ़नी है कॉस्टिट में कि कौन सा पॉइंट कौन से हेड में आता है जैसे अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन से पॉइंट आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में कौन से पॉइंट आते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन से पॉइंट्स डिवाइड होंगे तो ऐसे भी आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं कि ये बताओ कि ये पॉइंट कौन से हेड्स में जाएगा फैक्ट्री में जाएगा ऑफिस में जाएगा कि सेलिंग में जाएगा तो आपको उस तरीके से एक बार फॉर्मेट को ओवरव्यू लेना है फॉर्मेट अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो फॉर तो कॉस्टशीट में से जितने भी एम सी क्यूज़ बनेंगे वो आपके सही हो सकते हैं इसलिए आपको फॉर्मेट ध्यान से पढ़ना है और पॉइंट्स पढ़ने हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से हेड्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग इस टॉपिक सॉल्व सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज अगेन द पॉइंट इज सेम कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके रिवाइज कर लेनी है और क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है जो किस पे वैल्यू होता है फिनिश गुड्स का वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके इसकी रिवाइज करनी है और दूसरी चीज इसमें पढ़नी है कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो हम कॉस्शीट में रिकॉर्ड नहीं करते दैट मीन्स ऑल दो पॉइंट्स विच आर इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट कि फाइनेंशियल आइटम्स आर टू बी इग्नोर तो फाइनेंशियल आइटम्स इग्नोर किए जाते हैं वो ध्यान रखना है आपको इस चैप्टर में बाकी आपको इस चैप्टर में और डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर होंगे तो अगला चैप्टर आपके लिए फिंगर टिप्स भी आ जाएगा दैट विल बी द लास्ट टॉपिक कॉल्ड एज रिकनसीेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो रिकनसीेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आपको क्या करना है आपको ये पढ़ना है कि कौन सा पॉइंट ऐड होगा कौन सा पॉइंट लेस होगा तो आपको ध्यान से थोड़ा सा इसके एक दो क्वेश्चन देख लेना ताकि यू विल गेट एन बेसिक आइडिया कि विच पॉइंट आर टू बी एडेड विच पॉइंट आर टू बी डिडक्टेड और ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल में ही रिकॉर्ड होते हैं जैसे अगर हम कुछ इनकम की बात करें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये पॉइंट कॉस्टशिट में रिकॉर्ड नहीं होता ये सिर्फ फाइनेंस ही रिकॉर्ड होता है तो फाइनेंस में अगर रिकॉर्ड होता है तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ता है तो अगर हम कॉस्टिंग से प्रॉफिट जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे तो ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो इनकम है और सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड होते हैं और ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एक्सपेंस है और वो सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड होता है कॉस्टशीट में रिकॉर्ड नहीं होते है. तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस पॉइंट्स प्रॉपरली सो दैट यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज़ अगर बना तो आपको फिर पेपर में उसके रिलेटेड सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे एंड <coughs> लास्ट हमारा वही कंसेप्ट है फिर लास्ट में क्या करना है आपको एमसीक्यूज को थोड़ा रिवाइज कर लेना है बिकॉज ये सारी चीजों से अगर आप पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी मच ईजी फॉर ठीक है मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे थे सर क्या होगा कैसे होगा हमको हमको काफ़ी डर लग रहा है सर कैसे एग्ज़ाम देंगे किस तरीके से हम क्लियर होंगे कि नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट दैट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़े और आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा क्वास्ट शीट में प्रॉब्लम होगा या फिर लेबर कॉस्टिंग में प्रॉब्लम होगा मैंने हेल्थ से प्लान मैंने रोवेंट प्लान के काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत लेके वो वीडियोस को ढूंढना पड़ेगा वो अगर आप वीडियोस को ढूंढ लेते हो तो आप उसको देख लेना एग्जैक्टली exactly, तो आपको और भी उसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि लिए अभी कम टाइम में किस तरीके से एम सी उसको पढ़ना है वो मैंने आपको बताया बिकॉज ए टी एटी का प्रिपेरेशन जिनका पेंडिंग है ए टीकेटी वो लोग किस तरीके से उसको क्लियर करें वो उसके लिए मैंने ये वीडियोस लाए बाकी आपके सेमेस्टर सिक्स से रिलेटेड तो वीडियोस आपको रेगुलर बेस पे मिलते ही रहेंगे एम सी की प्रैक्टिस हम लोग उसमें कर ही रहे हैं लेकिन ये सारी चीज़ें जो बच्चे जिनका एटी के टी पिछला बैकलॉग रह गया था तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे तो उसकी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ तो उसी बेसिस पर आपको पढ़ना है ठीक है दैट्स इट थैंक यू फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो से जरा भी आपको लगता है कि इसमें से मुझे काफ़ी हेल्प होगा तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करे जिनको केटी है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो इस, इस चैनल पर लाते रहता हूं टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर